कर रहे थे। हम देख रहे थे कि इस समय पूरे देश में जो है वो कोरोना महामारी के कारण सभी कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। इन बिटवीन जो है ये हो रहा है कि नौशहरा प्रेस के ऊपर जो है एक दबाव डाला जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रही है कि नौशहरा में जितने भी पत्रकार हैं वो बिना अथॉरिटी के काम कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहूँगा कि हमारे नौशहरा में जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं कोई भी बिना अथॉरिटी के काम नहीं कर रहा, और उनके जहन में एक चीज़ लानी बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रेस क्लब नौशहरा में जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके पास ना कि नौशहरा है, उनके पास राजौरी और कुछ भी है। हमारे कई पत्रकारों के पास जो पूरे पूरे दो डिस्ट्रिक्टों के इंचार्ज हैं, ऐसे में नौशहरा के प्रशासन के द्वारा रोक लगाया गया कि हमारे पत्रकार जो है अस्पताल में जाके जो वहाँ औरतों का इलाज होता है वहाँ पे करते हैं। मैं साफ और स्पष्ट भाषा में आज कहता हूँ, मैं महामहिम गवर्नर साहब से भी जो है अपील करता हूँ कि इस बात का जो है कड़ा संज्ञान लिया जाए कि अगर मेरा कोई पत्रकार ऑपरेशन थिएटर में गया है या किसी ट्रीटमेंट चल रहा पेशेंट को, तो वहां जाकर उसने फोटोग्राफी की है तो उसका जवाबदार मैं हूं। परंतु ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सारे के सारे आरोप निराधार हैं, इसमें कोई सत्य नहीं है। ये सिर्फ जो है हमारे पत्रकारों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 15 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, प्रशासन का पूरे का पूरा साथ देते रहे हैं, आज तक कभी ऐसी बात सुनने को नहीं आई। ये नई बात सुनने को आ रही है, कोविड के समय में हम कह ये सोच रहे हैं हमने पत्रकारों को, सभी पत्रकार जो है वो लोगों की जो समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, और ये उस दिन भी काम प्रशासन के कानून तक पहुंचाने का हुआ था, परंतु उसके बाद जो जिस तरह से ये कटिंग्स निकल रही है, सब कुछ निकल रही है, इसको देखकर मैं भी बड़ा हताश हुआ हूँ कि एक जो है मीडिया फैटिलिटी को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों में जम्मू में जो एपिसोड हुआ उसके बाद जो है वो वार्ड मेंबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बोल रहा है कि प्रेस पत्रकार को आरएनए का सर्टिफिकेट चाहिए। मैं उस पार्षद के भी कान खोलना चाहता हूँ कि पहले तथ्यों को जाने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए। आरएनआई जो है वो संस्था जो है वो पंजीकरण संस्था है जो कि अखबार को या न्यूज चैनल को पंजीकरण करती है, और वो जो पंजीकरण करते हैं वो अखबार करते हैं, तो अखबार के मालिक का काम होता है अथॉरिटी लेटर देना, आई कार्ड देना, ना कि अब जो आरएनआई जो है वो सब पत्रकारों को अपने वो कार्ड भेजेगी। पहले बात को समझिए, जानकारी हासिल कीजिए, उसके बाद जो है कुछ बोलिए। पत्रकार जो है उनके भी घर में परिवार है, उनके भी घरों में बेटे हैं, माँ बाप है, उनको उनको जरूरत है, परंतु पत्रकार जो है इस समय अपने घर बार की परवाह न करते हुए प्रशासन जो अच्छे काम कर रहा है उनको भी दर्शा रहा है और बुरे कामों को भी दर्शा रहा है। हर जगह जो है आपको पत्रकार आगे मिल रहे हैं, हाँ अगर हमारी जान भी है हमें भी कोरोना हो सकता है। पिछले साल मुझे कोरोना हुआ था, मैं 14 दिनों क्वारंटाइन रहा था, और ये जो है जिस तरह के ये जो कार्य चल रहे हैं इसको पूर्ण रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी कोरोना का समय चल रहा है, हम कोरोना पे ही लगे हुए हैं कि लोगों को जो है हमारी तरफ से जो इमदाद मिल सके हम समय पर उनको पहुंचा सके, परंतु अगर हमारे प्रशासन कहते हैं कि हमारे पत्रकार फर्जी हैं, उनके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये क्लियर कट बोलता हूँ, प्रशासन ये सिद्ध करके बताए कि पत्रकारों के पास वो नहीं है, अथॉरिटी लेटर नहीं है, आई कार्ड नहीं है, उसी समय उस पत्रकार को जो है प्रेस क्लब से बाहर निकाल दिया जाएगा, और आप जो भी कदम उठाओगे उस पत्रकार के खिलाफ हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे, परंतु अगर किसी को ढोंढ करने की कोशिश की जाएगी तो प्रेस क्लब का भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मत सोचिए कि नौशहरा के पत्रकार यहाँ पे अकेले हैं, हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार हैं। अगर एक ही दिन में जो है पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार जो है सड़कों पे बैठ के धरना देंगे और काम को अपने छोड़ देंगे।
अभी जो है लड़ाई हमारी कोरोना की, इस कोरोना की लड़ाई को कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमने आज भी जो है प्रशासन की जो कमियां हैं उनको उगालना शुरू किया तो दुनिया जानती है क्या कुछ हो रहा है यहां पे। हम यहां पे लोकल काम कर रहे हैं, हमारी वजह से जो है वो प्रशासन परेशान ना हो इसलिए हम चुप करके बैठे हुए हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा किया जाएगा। बाकी रही बात, एक ऑर्डर निकला था जिसमें कहा था हम कल ऐसे एसपी नौशहरा के पास जाएंगे गिरधारलाल शर्मा जी को, हमारे प्रेस की जितनी फैसिलिटी है नौशहरा में सारे के पास अथॉरिटी लेटर है, सबके पास आई कार्ड है, हम सारे का सारा अपनी वेरिफिकेशन करिए। अगर प्रशासन को इस तरह का डाउट है तो वो हमारे कैरेक्टर की वेरिफिकेशन भी करवा सकता है। हम लोग ऐसे नहीं बैठे हुए, अगर हम किसी की खबर लगाते हैं तो दुनिया की प्रशासन की परेशानी, लोगों की परेशानी को प्रशासन के आगे रख रहे हैं हम। प्रशासन को चाहिए कि उस बंदे की परेशानी को दूर करे, ना कि परेशानी उठाने वाले को जो है वो ऐसे जो है डीमोरलाइज किया जाए। इस चीज़ को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज इस मंच से मैं कहता हूँ, प्रशासन ने जो आरोप लगाए हैं उनको सिद्ध करके भी एक हफ्ते के अंदर बताए, नहीं एक हफ्ते के बाद जो है हमारा जो है सभी जिलों के अंदर जो है वो सब पत्रकार संघ जो है सभी जिलों में जो है वो हमारा धरना होगा। इसके लिए हम गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे, डिपकम के पास जाएंगे। हमारे पर जो आरोप लगाए गए हैं, हमारी जो बात पत्रकारों के खिलाफ किया गया, उसको सिद्ध करके बता दीजिए आप भाई, हमारी यही मांग है। हमें विनय जी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये अपने विचार कुछ रखेंगे। देखिए मैं वाइस प्रेसिडेंट प्रेस क्लब नौशहरा विनय भारद्वाज, और मैं जैसे सहमत हूँ चेयरमैन हमारे डॉक्टर भुवनेश्वर जी से कि जैसे इन्होंने कहा है कि अगर जो आरोप प्रत्यारोप हम पत्रकारों पर लगाए जा रहे हैं प्रशासन उन्हें सिद्ध करके दे, एक हफ्ते का अल्टीमेटम हमने प्रशासन को दे दिया है। और प्रशासनिक अधिकारी ये ना सोचें कि हम कोई खबर ग्राउंड पर लगाने जा रहे हैं और पहले हमें उनकी परमिशन लेनी होगी, हमारे ऊपर भी कोई है, हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे ऑनर बैठे हुए हैं और आर एन नंबर जो है वो एक जो पेपर है उनके पास होता है, वो ऑनर आगे देखता है कि हमने कितने पत्रकार अपने फील्ड पे रखने हैं। और मैं ब्यूरो चीफ हूँ, आपको बता दूँ कि रजौरी पुंछ का मैं ब्यूरो चीफ हूँ जम्मू राइजिंग न्यूज़पेपर के लिए। तो प्रशासनिक अधिकारियों के जब हम न्यूज़ लगाते हैं, जब उनके हक में लगाते हैं तो तालियां बजाते हैं ये और कहते हैं आपने अच्छा काम किया, लेकिन जब इनकी कमियों को हम अपने कैमरे के बाहर लाते हैं, कैमरे के सामने रखते हैं, तो यही प्रशासनिक अधिकारी फोन पर करके ये बोलते हैं कि आपने इसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया, आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की। भाई जब आप सही कर रहे थे तो हमने उसकी उस बात की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। अब ये जब हम ये ऐसी न्यूज़ लगाई हमने तो उस पर आप ये कहते हो कि आपने इसको इन्वेस्टिगेट करना था। हम लोगों के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, ना कि हम प्रशासन के जो है वो उसके साथ वो कर रहे हैं। जो अच्छा काम करे प्रशासन करता है तो हम दिखाते हैं, अच्छा काम लोग करते हैं हम दिखाते हैं। अगर कोई भी गलत करेगा, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे लोग हो, चाहे पत्रकार हो, हम उसे भी सामने लाएंगे। तो ये हमसे कोई उम्मीद ना रखी जाए कि हमें कोई भी अपना न्यूज़ टेलीकास्ट करने से पहले किसकी परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेने के लिए हमारे ऑनर बैठे हैं, हमारा प्रेस क्लब बैठा है, हमें परमिशन अपने ऑनर से लेनी होगी, ना कि किसी अधिकारी से। इन्हीं शब्दों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।